आज हम आपको दुनिया के इकलौते उस बल्लेबाज से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक मैच में लगभग 3 बार गेंद गायब की है, वो भी अपने लंबे लंबे छक्के लगाकर। अगर आज क्रिकेट जगत में देखा जाए तो लंबे लंबे छक्के लगाना आम सा हो गया है। अगर T20 क्रिकेट में देखा जाए तो ये रोमांच तो अक्सर हर ओवर में देखने को मिल ही जाता है अगर सामने विस्फोटक बल्लेबाज हो। जब से T20 क्रिकेट ने एंट्री ली है तब से चौकों छक्कों की बौछार देखने को ज्यादा मिल रही है। आज हम आपसे जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि भारतीय टीम के सबसे दिग्गज खिलाड़ी सौरभ गांगुली है। सौरभ गांगुली भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान रह चुके हैं। सौरभ गांगुली को टीम इंडिया में दादा के नाम से भी जाना जाता है। सौरभ गांगुली दूसरे भारतीय सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं जिन्होंने टीम इंडिया को उच्च शिखर तक पहुंचाने में काफी योगदान दिया है। अगर पहले कप्तान की बात करें तो आज भारतीय टीम के लिहाज से महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे सफलतम कप्तानों में लिया जाता है। सौरव गांगुली ने जब कई बार मैदान पर बड़ी हिट लगाई है तब तब कई बार गेंद गायब हो जाती थी जिसके चलते अंपायर को नई गेंद मंगवानी पड़ती थी। आज हम आपसे बात एक मैच जो की साल 1998 में खेला गया था उसके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। ये मैच शारजहां स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में सौरव गांगुली ने काफी बड़ी बड़ी हिट लगाई थी जिसके चलते गेंद 3 बार स्टेडियम की छत पर गई थी और गायब हो गई थी। गांगुली के द्वारा लगाई गई बड़ी बड़ी हिट के कारण इस मैच में लगभग 3 बार अंपायर को बॉल बदलनी पड़ी थी।